फलस्तीन अपनी जमीन वापस लेने के लिए जो हमला उसने इसराइल पर किया उसे दुनिया ने आतंकी हमला बता दिया। लेकिन अब इसराइल जो नंगा नाच कर रहा है उस पर दुनिया भर की चुप्पी उसके दोगलेपन को बेनकाब कर रहा है। फलस्तीन के हमले में महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की बात कही गई और दुनिया ने फलस्तीन को विलन बनाकर पेश किया। लेकिन अब इसराइल जिस तरह के खतरनाक और घातक हथियार फलस्तीन पर इस्तेमाल कर रहा है उस पर दुनिया की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इसराइल फलस्तीन पर जिस व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है वो बेहद खतरनाक है, जिससे हड्डियां गल जाती हैं, इंसान अपाहिज हो जाता है। इससे कितने लोगों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन दुनिया भर में मानवता की बात करने वाले लोग अपने बिलों में घुसे पड़े हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि फलस्तीन का इसराइल पर हमला कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई है फलस्तीन की जमीन पर इसराइल के जबरदस्ती कब्जे के खिलाफ। ये लड़ाई है इसराइल के उस आतंक के खिलाफ जिसने अब तक 1.5 लाख फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 35,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल है। लेकिन शनिवार को सुबह फलस्तीन ने इसराइल पर हमला कर दिया और उस हमले को दुनिया ने आतंकी हमला बताया। फेक वीडियो के सहारे फलिस्तीन पर यह आरोप लगाया गया कि महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं। फलिस्तीन द्वारा इसराइल के एक साथ 40 बच्चों को मार दिए जाने की खबर भी सोशल मीडिया के जरिए फैली। बाद में जब इसराइल के अधिकारियों से उन 40 बच्चों के बारे में पूछा गया तो इसराइली अधिकारियों ने 39 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि नहीं की और वो खबर भी फेक न्यूज ही साबित हुई। उस फेक न्यूज के आधार पर फलिस्तीनियों को महिला विरोधी बताया गया। लेकिन अब इसराइल गाजा पर पलटवार कर रहा है और वो गाजा पर व्हाइट फॉस्फोरस बम गिरा रहा है, जिससे सैकड़ों महिलाएं और बच्चों के मारे जाने की खबर है। और पता नहीं इस बम की वजह से आने वाले दिनों में गाजा के कितने लोग अपाहिज हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस बम बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में जान लीजिए कि इसे बनाया कैसे जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फॉस्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर यह पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यह ऑक्सीजन को खत्म करने लगता है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहां भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वे दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। यहां तक कि पानी डालने पर भी ये आसानी से नहीं बुझता, बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए और भड़कता है। ये हड्डियों को गला देता है और इंसान को अपाहिज बना देता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल इसराइल धड़ल्ले से गाजा पर कर रहा है और दुनिया तमाशबीन बनी बैठी है। वो लोग जो इसराइल पर फलस्तीन के हमले पर चीख रहे थे, लेकिन उन लोगों ने अब चुप्पी साध ली जो उनके दोहरे चरित्र को बेनकाब करता है। तो इसराइल द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर जरूर बताइए। और हमारे फ्यूजर्लिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।